प्रत्येक दिन दोपहर का भोजन करके गुरुदेव के कमरे में उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए जाया करता था। उस समय गुरुदेव भोजन करके और सेवक की सहायता से कई कदम टहल कर अपनी चौकी पर चित लेटे रहते थे। कभी वे जगे रहते थे और कभी समाधिस्थ भी रहते थे। कभी वे अपनी एक हथेली से दूसरी हथेली को और कभी एक हथेली से सिर के बालों को सहलाते देखे जाते थे। उनकी चौकी की मसारी कभी गिरा दी जाती थी और कभी उठा दी जाती थी। गर्मी का मौसम रहने पर बिजली का पंखा चलता, कूलर चलता या नहीं तो सेवक तार के पंखे से हवा क्या करते थे। एक दिन दोपहर को कमरे में जाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और बोले कि मुझे अठगामा के जयनारायण मंडल की बहुत याद आ रही है। मैंने गुरुदेव के काम के पास अपना मुँह ले जाकर कहा, जयनारायण बाबू अच्छे आदमी हैं, भक्त हैं, वे आपको याद करते होंगे इसीलिए आप भी उन्हें याद कर रहे हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी भक्त को याद करते हैं। मेरी बात सुनकर गुरुदेव ने मेरी बात को काटते हुए तुरंत कहा, नहीं, भगवान ही पहले भक्त को याद करते हैं। मैंने दोनों हाथों को जोड़ते हुए उनकी बात को स्वीकार करने के लिए हाँ भरी। उस दिन मुझे गुरुदेव से एक नया ज्ञान मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले जो भ्रामक धारणा पाल रहा था वह दूर हो गई।